In this lecture, we are going to study regulation of gene expression and the lac operon. So first, what is regulation of gene expression? Regulation of gene expression means controlling the amount and time of formation of gene products according to the requirement of the cell. Okay? What is gene product? Gene product is proteins. Clear? So proteins, kab aur kitna amount mein form ho? उसको रेगुलेट करना ही क्या कहलाता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. तो सेल जो है कितना प्रोटीन कब फॉर्म हो उसको वो कंट्रोल करता है. क्लियर? अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. तो दैट इज द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. तो जो रेगुलेशन है यूकैरियोट्स के केस में 6 लेवल्स पर करी जा सकती है. ठीक है? तो फर्स्ट है ऑल्टरेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. मान लीजिए कि अगर डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर ऑल्टरेशन कर दिया जाए, चेंजेस कर दिया जाए, तो उसका मतलब है कि उसके बाद उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा और फिर ट्रांसलेशन भी होगा, मतलब कि जो आगे के प्रोसेस हैं वो कुछ भी नहीं होंगे. इसी तरह से जो सेकेंड लेवल है इट इज़ द ट्रांसक्रिप्शन लेवल. मान लीजिए कि ऑल्टरेशन ऑफ स्ट्रक्चर ना हो बट क्या हो कि जो रेगुलेशन है वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर कर दिया जाए, कि ट्रांसक्रिप्शन जो है उसको कंप्लीट ना होने दिया जाए. ठीक है? या फिर प्रोसेसिंग लेवल. ठीक है? कि जो एमआरएनए की प्रोसेसिंग लेवल होता है उस समय रेगुलेट किया जाए, या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, कि मतलब जो एमआरएनए फॉर्म हुआ वो न्यूक्लियस में फॉर्म हुआ तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में एमआरएनए को ट्रांसपोर्ट ना होने दिया जाए, मतलब उसको रेगुलेट किया जाए. ठीक? या फिर ट्रांसलेशनल लेवल पर रेगुलेट किया जाए, या फिर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की जाए. मतलब कि होता क्या है कि जो प्रोटीन फॉर्म होते हैं आफ्टर ट्रांसलेशन वो इनएक्टिव होते हैं, उनको एक्टिव करना पड़ता है, तो उसको एक्टिवेट ना होने दिया जाए. अगर प्रोटीन को एक्टिवेट नहीं होने देंगे तो वो भी एक तरह का रेगुलेशन है. इसी तरह से जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें जो जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन है वो नॉर्मली हम जो है वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर करते हैं. ठीक है? और ट्रांसक्रिप्शनल लेवल के ऊपर बेसिकली हम यहाँ पर दो ऑपेरन सिस्टम पढ़ते हैं. तो एक ऑपेरन सिस्टम है लैक ऑपेरन और एक है ट्रिप्टोफेन ऑपेरन. आपके सिलेबस में सिर्फ लैक ऑपेरन है. सो फर्स्ट लैक ऑपेरन. तो ऑपेरन कंसेप्ट वॉज प्रपोज्ड बाय जैकोब एंड मोनाड इन 1961. सो फर्स्ट वॉट इज ऑपेरन. तो ऑपेरन क्या है? एक यूनिट है प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन की, जो कि एक तो स्ट्रक्चरल जीन्स और एक रेगुलेटरी जीन, ठीक है, इनसे मिलके बनती है. स्ट्रक्चरल जीन हम लोगों ने जस्ट जब हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था तभी भी हमने देखा था कि प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल जीन. तो स्ट्रक्चरल जीन्स और एक रेगुलेटरी जीन, इनसे मिलके क्या बनता है? एक ऑपरेन सिस्टम. क्लियर? तो बेसिकली एक जो ऑपरेन है उसके कॉम्पोनेंट क्या क्या होते हैं. तो जैसे पहला इसमें है कॉम्पोनेंट स्ट्रक्चरल जीन. तो यहां पर लैक ऑपरेन के केस में लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए. ठीक है? दीज आर द थ्री स्ट्रक्चरल जीन्स. ठीक है? मतलब ये डीएनए की सेगमेंट है जिस पर लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, ये तीन स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है. और इन तीनों स्ट्रक्चरल जीन का एक यहां पर बेस सिक्वेंस प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं प्रमोटर. द सिक्वेंस ऑफ डीएनए वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज कॉल्ड प्रमोटर. तो जो ये सिक्वेंस है यहां पर डीएनए पर, ठीक है, जहां पर के आरएनए पॉलीमरेज है ना ट्रांसक्रिप्शन के लिए आकर जुड़ेगा, दैट साइट इज कॉल्ड एज द प्रमोटर साइट. तो आरएनए पॉलीमरेज यहां पर आकर बाइंड अप होता है लैक प्रमोटर पर, जिसको हम सिंबलाइज कर रहे हैं लैक पी से. उसके बाद प्रमोटर के बाद यहां पर एक बेस सिक्वेंस है जिसको हम ऑपरेटर साइट बोलते हैं. ऑपरेटर साइट पर क्या होता है कि जो ये रेगुलेटरी जीन है, ठीक है, ये रेगुलेटरी जीन पहले ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो इससे एक एमआरएनए बनेगा, इसका खुद का एक प्रमोटर है. क्लियर? और जब ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो इससे एक एमआरएनए बनेगा, उस एमआरएनए से फिर उसका ट्रांसलेशन होगा और उससे एक प्रोटीन बनेगा. दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज द रिप्रेशर प्रोटीन. और वो रिप्रेशर प्रोटीन जो है इस ऑपरेटर पर आकर जुड़ता है. क्लियर? तो उसके वजह से क्या होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है, जब रिप्रेशर प्रोटीन यहां पर आके जुड़ जाएगा तो जो ट्रांसक्रिप्शन है वो नहीं होगा. क्लियर? तो बेसिकली ऑपरेटर क्या है? द सीक्वेंस ऑफ डीएनए एडजेसेंट टू द प्रमोटर वेयर स्पेसिफिक रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड्स इन द ऑपरेटर, है ना. बेसिकली ऑपरेटर पे क्या होता है, एक रिप्रेशर प्रोटीन आके जुड़ता है, है ना. और ये रिप्रेशर प्रोटीन कहां से फॉर्म हुआ था? इस रेगुलेटरी जीन से. तो रेगुलेटरी जीन क्या है? द जीन दैट कोड्स फॉर द रिप्रेशर प्रोटीन that bind to the operator and suppresses its activity, as a result of which transcription will be switched off.
रेगुलेटरी जीन वो जीन है जो कि रिप्रेशर प्रोटीन फॉर्म करता है, और ये रिप्रेशर प्रोटीन जाकर बाइंड अप होता है ऑपरेटर से, और ऑपरेटर पे बाइंड होने के बाद वो बेसिकली जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको स्विच ऑफ कर देता है. स्विच ऑफ का मतलब कि अब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा इन स्ट्रक्चरल जीन्स का. नेक्स्ट है, लास्ट इसमें जो कॉम्पोनेंट है ऑपरेन का, दैट इज द इंड्यूसर. तो इंड्यूसर क्या होता है? द सबस्ट्रेट दैट प्रिवेंट द रिप्रेशर फ्रॉम बाइंडिंग टू द ऑपरेटर इज कॉल्ड एन इंड्यूसर. वो सबस्ट्रेट जो कि रिप्रेशर प्रोटीन, जो यहां पर ये रिप्रेशन पॉइंट प्रोटीन था, इसको ऑपरेटर पर जाने से रोके, है ना, ऑपरेटर पे बाइंडिंग से रोके, ठीक है, वो सबस्ट्रेट क्या कहलाता है? इंड्यूसर. अब अगर रिप्रेशर को कोई सबस्ट्रेट अपने साथ में बाइंड अप कर ले और उसको ऑपरेटर पर ना जाने दे, तो क्या होगा? जो ये ट्रांसक्रिप्शन है वो स्विच ऑन हो जाएगी, है ना, और यहां पर क्या होगा, उसका ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रक्चरल जीन्स का होने लगेगा, मतलब लैक जेड का, लैक वाई का और लैक ए का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. तो एज ए रिजल्ट ट्रांसक्रिप्शन इज स्विच्ड ऑन. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्विच्ड ऑन हो जाती है. इट इज ए केमिकल ऑफ डाइवर्स नेचर लाइक मेटाबोलाइट, हार्मोन, सबस्ट्रेट एटसेट्रा. मतलब जो ये इंड्यूसर हो सकता है, ये कोई मेटाबोलाइट हो सकता है, कोई हार्मोन सबस्ट्रेट हो सकता है. तो जो ये लैक ऑपरेन है, इसके अंदर तीन तो स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है, लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए. इसके अलावा एक ऑपरेटर प्रेजेंट है, एक प्रमोटर प्रेजेंट है, और इसके अलावा एक रेगुलेटरी जीन प्रेजेंट है, लैक आई, ठीक है. और इंड्यूसर जो है यहां पर वो लैक्टोज होता है. बेसिकली लैक्टोज की एक एक्टिवेटेड फॉर्म होती है जिसको हम एलोलैक्टोज बोलते हैं, ठीक है. तो लैक्टोज इज एन इंड्यूसर इन लैक ऑपरेन, है ना. जो इंड्यूसर है वो कौन होगा? लैक्टोज. तो जो ये तीन स्ट्रक्चरल जीन यहां पर प्रेजेंट हैं, जेड वाई ए, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, तो जो लैक जेड है वो एक एंजाइम फॉर्म करता है. लैक जेड का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो उसके बाद उसका उससे एमआरएनए बनेगा, और जो एमआरएनए बनेगा उससे एक प्रोटीन फॉर्म होगा. जो प्रोटीन फॉर्म होता है दैट इज द वो एक एंजाइम है और उसका नाम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज. जो ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है करता क्या है? एक्चुअली में लैक्टोज जो है वो क्या है? एक डाइसैकेराइड, है ना, जो कि एक ग्लूकोज और एक ग्लैक्टोज से मिलके बनता है. तो लैक्टोज जो है वो एक मोनोसैकेराइड ग्लैक्टोज और एक मोनोसैकेराइड ग्लूकोज से मिलके लैक्टोज एक डाइसैकेराइड बनता है. तो लैक्टोज को ब्रेक करने का काम, मतलब कि ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम, वो किसका है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का. और जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज है एक्चुअली में वो क्या करते हैं फिर? एज ए कार्बन सोर्स काम करते हैं, है ना, मतलब कि लैक्टोज का डाइजेशन करने का काम, ठीक है, वो किसका है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का, ठीक. उसके बाद जो यहां पर लैक वाई जीन है, ठीक है, वो एक एंजाइम फॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं परमिएज. नाम से समझ में आएगा कि इट इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू लैक्टोज. जो बैक्टीरियल सेल है वो लैक्टोज से अपनी एनर्जी लेता है, ठीक है, तो लैक्टोज को वो अपने सेल के अंदर लेता है बाहर से, ठीक है. जब सेल के अंदर लेगा वो बाहर से, तो उसको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा. तो सेल मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है, ठीक है, उसको जो एंजाइम इंक्रीज करता है फॉर लैक्टोज, दैट एंजाइम इज परमिएज. क्लियर. नेक्स्ट एंजाइम है ट्रांस एसिटाइलेज, जो कि लैक ए जीन फॉर्म करता है. और ये ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है कि इट कैटलाइजेस द ट्रांस एसिटाइलेशन ऑफ लैक्टोज इन इट्स एक्टिव फॉर्म. जो लैक्टोज है उसका ट्रांस एसिटाइलेशन कौन करता है? ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, विच इज कोडेड बाय द लैक ए. द लैक जेड, लैक वाई, लैक ए जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम ए लैक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंगल प्रमोटर. आप अगर यहां पर देखें, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए का एक ही सिंगल प्रमोटर है. इसका मतलब ये कंडीशन कैसी है? पॉलीसिस्ट्रोनिक, है ना. हम लोगों ने पढ़ा था कि बैक्टीरिया केस में, प्रोकैरियोट्स केस में पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन मिलती है. क्लियर. तो यहां पर ये पॉलीसिस्ट्रोन है. दे एनकोड एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द यूज ऑफ लैक्टोज एज ए कार्बन सोर्स. मतलब ये जो जीन्स हैं ये वो एंजाइम्स फॉर्म करते हैं जिससे कि लैक्टोज को एज ए कार्बन सोर्स यूज किया जा सके. तो द लैक आई जीन प्रोडक्ट द लैक रिप्रेशर. जो लैक आई जीन है वो क्या फॉर्म करता है? लैक रिप्रेशर प्रोटीन, मतलब रिप्रेशर प्रोटीन फॉर्म करेगा. यहां पर लैक से मतलब क्या है? लैक्टोज, ठीक है. तो इज एक्सप्रेस्ड फ्रॉम ए सेपरेट ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट अपस्ट्रीम फ्रॉम द ऑपरेटर, है ना. जस्ट इस ऑपरेटर से अपस्ट्रीम, मतलब इससे ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? एक रेगुलेटरी जीन जो कि क्या फॉर्म करता है? इससे पहले इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एमआरएनए फॉर्म होगा, और उस एमआरएनए का ट्रांसलेशन होकर क्या बनेगा? एक रिप्रेशर प्रोटीन. तो रिप्रेशर प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? रेगुलेटरी जीन. और आप एक चीज देखें यहां पर, इस रेगुलेटरी जीन का जो प्रमोटर है वो बिल्कुल सेपरेट है.
स्ट्रक्चरल जीन से, स्ट्रक्चरल जीन का प्रमोटर ये है और रेगुलेटरी जीन का प्रमोटर ये है, ठीक है। तो इसका ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन से बिल्कुल सेपरेटली होता है, ठीक। नेक्स्ट है, रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेन बाय रिप्रेशर इज अ नेगेटिव रेगुलेशन। जो रेगुलेशन है लैक ऑपरेन का बाय द रिप्रेशर, ये नेगेटिव रेगुलेशन है। कैसे नेगेटिव है, इस बात को एक बार समझते हैं कि जो ये लैक आई जो जीन है, ये क्या फॉर्म करता है, पहले एमआरएनए मतलब ट्रांसक्रिप्शन हुआ, उस एमआरएनए से क्या फॉर्म होगा, एक प्रोटीन मतलब कि रिप्रेशर प्रोटीन। ये रिप्रेशर प्रोटीन जाकर बाइंड अप हो जाता है कहां पर, ऑपरेटर साइट पे, ठीक है। जब यहां पर जाकर रिप्रेशर जुड़ गया और प्रमोटर पे क्या जुड़ा हुआ है, पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, तो क्या होगा कि नॉर्मली ये स्विच ऑफ कंडीशन में रहता है, मतलब कि जब यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, रिप्रेशर प्रोटीन, तो उसके वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा, मतलब कि इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा जब तक यहां पर रिप्रेशर प्रोटीन जुड़ा हुआ है। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है तो पहले क्या करना होगा, यहां से मतलब ऑपरेटर साइट से रिप्रेशर प्रोटीन को हटाना पड़ेगा, क्लियर। तो दैट्स व्हाई नॉर्मली वो स्विच ऑफ कंडीशन में रहता है, मतलब ये जो ऑपरेन सिस्टम है, लैक ऑपरेन सिस्टम, वो रिप्रेशर प्रोटीन की वजह से स्विच ऑफ कंडीशन में रहता है। दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन। सो जो लैक ऑपरेन है वो दो तरीके से काम करता है, एक स्विच ऑफ कंडीशन और एक स्विच ऑन कंडीशन। तो पहले हम देखते हैं स्विच ऑफ कंडीशन, व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट। तो जब टाइम पर मान लीजिए कि सेल को लैक्टोज नहीं मिल रहा है, मतलब उसके पास फूड नहीं है, मतलब उसके पास एनर्जी सोर्स के लिए कोई कार्बन सोर्स नहीं है, उस टाइम पर ये जो ऑपरेन सिस्टम है वो स्विच ऑफ कंडीशन में रहता है। कैसे, इस बात को इस डायग्राम से समझिए कि ये एक लैक रेगुलेटरी जीन है, लैक आई है ना, इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो क्या बना, एमआरएनए, और एमआरएनए के बाद इससे क्या बना, रिप्रेशर प्रोटीन जो कि एक्टिव हुआ, और ये रिप्रेशर प्रोटीन जाकर कहां पर जुड़ गया, ऑपरेटर साइट पर, लैक ओ पर, क्लियर। और लैक पी पर, प्रमोटर पर, ये जो है ब्राउन वाला, दिस इज द आरएनए पॉलीमरेज, ये आके जुड़ा हुआ है। अब जब आरएनए पॉलीमरेज यहां पर जुड़ा हुआ है और यहां पर रिप्रेशर प्रोटीन है, तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये आगे की तरफ मूव नहीं कर पाता जब तक ये रिप्रेशर प्रोटीन यहां पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब ये आगे नहीं मूव कर पाएगा तो लैक जेड, लैक वाई और लैक ए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, मतलब कि इनसे एमआरएनए फॉर्म नहीं होंगे। अगर इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, और ट्रांसलेशन नहीं होगा तो इनसे जो प्रोटीन्स बनते हैं वो भी नहीं बनेंगे। दैट्स वाई अभी जो ये ऑपरेन है ये क्या है, स्विच ऑफ कंडीशन में, क्लियर। तो व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, जब लैक्टोज एब्सेंट होता है, क्योंकि मैंने बताया था अभी आपको कि लैक्टोज ही क्या करता है, इंड्यूसर का काम। जब सेल के अंदर लैक्टोज एब्सेंट होता है तो आई जीन रेगुलेट्स एंड प्रोड्यूस रिप्रेशर एमआरएनए, मतलब ये एक रिप्रेशर आरएनए प्रोड्यूस किया, ठीक है, विच ट्रांसलेट इनटू द रिप्रेशर प्रोटीन, और इससे क्या बना, एक रिप्रेशर प्रोटीन बना। द रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ऑपरेन, एज ए रिजल्ट प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड टू द ऑपरेन, है ना। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है यहां पर वो बाइंड अप नहीं हो पाता और उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता, तो जो ये ऑपरेन है वो क्या रहता है, स्विच ऑफ कंडीशन में रहता है। When lactose is present, जब lactose present होगा, मतलब जब cell के अंदर lactose आ जाएगा as a energy source, तो वो lactose क्या होता है, पहले तो change होता है allolactose में, मतलब कि एक active form में, ठीक है, lactose की active form को हम क्या बोलेंगे, allolactose। वो allolactose जाके किस पे जुड़ जाएगा, repressor protein पर जाकर वो जुड़ गया, क्लियर। जैसे ही वो रिप्रेशर प्रोटीन पे जाके जुड़ जाएगा, मतलब यहां पर रिप्रेशर प्रोटीन जुड़ा हुआ था उसको वो हटा देगा वहां से, ठीक है। जैसे ही रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर साइट से हट जाएगा तो अब जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देगा। तो लैक्टोज एक्ट एज एन इंड्यूसर, ठीक है, जो लैक्टोज है वो इंड्यूसर की तरह काम करता है, विच बाइंड टू द रिप्रेशर, वो जाकर रिप्रेशर पे बाइंड हो जाता है एंड फॉर्म्स एन इनएक्टिव रिप्रेशर, और उसके बाद क्या करता है, रिप्रेशर को वो इनएक्टिव कर देता है, तो वो ऑपरेटर साइट पे जाकर नहीं जुड़ पाता। द रिप्रेशर फेल्स टू बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन, द आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द ऑपरेटर एंड ट्रांसक्राइब लैक एमआरएनए। फिर क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर साइट पे जाकर जुड़ता है और फिर स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो लैक एमआरएनए इस पॉलीसिस्ट्रोनिक, जो यहां से एमआरएनए फॉर्म होता है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक फॉर्म होता है, क्योंकि जस्ट लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, इन तीनों का एक ही प्रमोटर था। That is produces all three enzymes, beta galactosidase, permease and transacetylase, है ना, तीनों enzyme ये mRNA form करेगा। तो the lac operon is switched on, है ना, और इसके वजह से क्या हुआ कि lac operon जो है वो क्या हो गया, स्विच ऑन हो गया, है ना, क्योंकि अब repressor जो है वहां पर बाइंड अप नहीं हो पा रहा। अगर पूरी समरी को देखें तो आप एक चीज देखिए, जैसे कि जब यहां पर बेसिकली ये जो एंजाइम है ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है, जो कि लैक्टोज को ब्रेक करता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। यहां पर ये एंजाइम ट्रांस एसिटाइलेज है, जो कि लैक्टोज का ट्रांस एसिटाइलेशन करता है। इसके अलावा यहां पर जो ये जो आपको मेम्ब्रेन पर जो ये प्रोटीन्स दिखाई दे रहे हैं, दे आर द परमीएज,
ठीक है। अब क्या हुआ कि सेल, ये सेल है पूरा का पूरा, है ना, और यहां पर ये उसका डीएनए है और यहां पर ये रिप्रेशर प्रोटीन जुड़ा हुआ है लैक ऑपरेंस से। क्लियर, क्या होता है कि सेल के बाहर लैक्टोज आया, ठीक है, लैक्टोज आया तो कुछ लैक्टोज जो है वो, क्योंकि वहां पर कुछ तो परमीएज पहले से ये प्रेजेंट होते हैं, ये सारे एंजाइम पहले से प्रेजेंट थे, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है कि जो परमीएज प्रेजेंट है वो कुछ अमाउंट में लैक्टोज को अपने सेल के अंदर उसने परमिट किया। जैसे ही लैक्टोज अंदर आया तो वो लैक्टोज जाकर बाइंड अप किससे हो गया, रिप्रेशर से, और रिप्रेशर को उसने लैक ऑपरेन से हटा दिया, ठीक है। जैसे ही लैक ऑपरेन से उसने हटा दिया तो अब इसका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया और ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया। जो जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन स्टार्ट हुआ तो अब क्या होगा कि यहां पर जो अमाउंट है ना आरएनए परमीएज का, वो बढ़ जाएगा। तो आरएनए परमीएज का अमाउंट बढ़ गया तो अंदर और ज्यादा जो बाहर जो थे लैक्टोज वो और ज्यादा परमिट हो जाएंगे, मतलब वो और ज्यादा उनकी कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर लैक्टोज की बढ़ जाएगी। क्लियर, तो और उसके बाद फिर क्या होगा कि जो यहां पर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम था और प्लस जो ट्रांस एसिटाइलेज था उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि परमानेंटली ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इसका हो रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, फिर वो जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है प्लस ट्रांस एसिटाइलेज है वो इस पूरे के पूरे जो जो लैक्टोज है उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेगा, मतलब कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करना स्टार्ट करेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो लैक्टोज है उसकी कॉन्सेंट्रेशन देखो फिर यहाँ पर कम हो गई, बट अभी भी अमाउंट जो है वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज और ट्रांसएसिटाइलाइज का और प्लस परमीएज का वो कॉन्सेंट्रेशन उतना ही है, ठीक। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि जब वो जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सारे के सारे यूज हो जाएंगे, तो मोस्ट प्रोटीन्स इन्वॉल्व विद लैक्टोज यूटिलाइजेशन आर डिग्रेडेड। फिर बाद में क्या होता है, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं जो कि लैक्टोज की यूटिलाइजेशन के लिए होते हैं वो सब डिग्रेड हो जाते हैं, फिर दोबारा से कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। फिर जो रिप्रेशर प्रोटीन है यहाँ पर वो जाकर दोबारा किस पे जुड़ गया, डीएनए पर, ठीक है, तो उसने फिर दोबारा से ट्रांसक्रिप्शन रोक दिया। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो व्हेन लैक्टोज बिकम्स अवेलेबल, जैसे ही लैक्टोज अवेलेबल होता है, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इट इज टेकन अप, है ना, कुछ अमाउंट ये लेता है एंड कन्वर्टेड टू एलो लैक्टोज, और उस लैक्टोज को वो किस में कन्वर्ट करता है, एलो लैक्टोज में, बाय बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। द एलो लैक्टोज बाइंड टू द रिप्रेशर, और ये एलो लैक्टोज कहां पे जाकर जुड़ गया, रिप्रेशर से, कॉजिंग इट टू फॉल ऑफ द ऑपरेटर साइट, जिससे कि वो ऑपरेटर साइट से हट जाए। क्लियर, जैसे ही वो ऑपरेटर साइट से हट जाएगा, द लैक ऑपरेन प्रोटीन आर सिंथेसाइज, अब जो लैक ऑपरेन के प्रोटीन है वो सिंथेसाइज होने लगेंगे। दिस प्रमोट द इफिशियंट मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज, जिसके वजह से लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि उससे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनना स्टार्ट हो गया तो उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। द लैक्टोज इज डिप्लीटेड, फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो जब वो डाइजेस्ट होने लग जाएगा तो लैक्टोज का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगा, एलो लैक्टोज लेवल डिक्रीजेस, उसके बाद एलो लैक्टोज का लेवल भी डिक्रीज कर जाएगा, एंड एलो लैक्टोज इज रिलीज्ड फ्रॉम द रिप्रेशर, तो फिर वो रिप्रेशर से एलो लैक्टोज हटेगा, जब उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो एलो लैक्टोज फिर रिप्रेशर से हट जाएगा, अलाउइंग इट टू बाइंड टू द ऑपरेटर साइट, और फिर रिप्रेशर जाकर कहां पर जुड़ जाएगा, रिप्रेशर साइट पर, और ट्रांसक्रिप्शन को फिर दोबारा से वो क्या कर देगा, स्विच ऑफ। तो मोस्ट प्रोटीन इन्वॉल्व इन द लैक्टोज यूटिलाइजेशन आर डिग्रेडेड, और फिर दोबारा से वो क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ, और यही प्रोसेस क्या होता है, चलता रहता है। अगर आप ग्राफिक से देखें तो लैक आईजिन ने एक एमआरएनए फॉर्म किया है, एमआरएनए से क्या बना, एक प्रोटीन, वो प्रोटीन जाकर जड़ गया ऑपरेटर पर, क्लियर, और इसकी वजह से वो स्विच ऑफ हो गया, क्लियर, ये स्विच ऑफ कंडीशन हो गई जब वो ऑपरेटर पे जाकर जुड़ गया, क्लियर, तो नो एमआरएनए, फिर यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। और स्विच ऑन कंडीशन में क्या हुआ कि बेसिकली जो यहाँ से लैक रिप्रेशर था वो उसको किसने पकड़ लिया, एलो लैक्टोज ने, ठीक है, और एलो लैक्टोज ने उसको ऑपरेटर पे जाने नहीं दिया, जिसकी वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज था वो ट्रांसक्रिप्शन कर पा रहा है, दैट इज द स्विच ऑन कंडीशन। So, this is all about the regulation of gene expression.